एसएसटी लेसन नंबर 3 विल बी रीड लेसन माय फैमिली वी लाइव इन अ हाउस विथ योर फैमिली फैमिली मेंबर्स शेयर केयर एंड हेल्प इच अदर हम हमारे घर में हमारी फैमिली के साथ रहते हैं और फैमिली में रहने वाले सभी मेंबर एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं एक दूसरे की केयर करते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं राइट द नेम्स ऑफ द पीपल हु आर आ पार्ट्स ऑफ योर फैमिली इसमें हमें हमारी फैमिली में जो मेंबर्स होते हैं उनके नेम लिखने हैं और ये अपनी नोटबुक के अंदर उतारना है विच फैमिली डू यू बिलोंग टू और जिस फैमिली से आप बिलोंग करते हैं उस फैमिली का यहाँ पे नेम लिखना है और अपनी नोटबुक में इसको उतारना है टाइप्स ऑफ फैमिली योर पेरेंट्स आर मेन मेंबर्स ऑफ योर फैमिली योर ब्रदर एंड सिस्टर हु आर योर सिबलिंग आर आल्सो आ पार्ट्स ऑफ योर फैमिली आप हम अपने पेरेंट्स के साथ अपनी फैमिली में रहते हैं जिसमें आपके साथ अपने के ब्रदर और सिस्टर होते हैं जो आपके सिबलिंग होते हैं और यही अपनी फैमिली के मेन पार्ट्स होते हैं देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैमिलीज सम आर स्मॉल एंड सम आर लार्ज अ स्मॉल फैमिली इज़ वन विच हैज़ पेरेंट्स वन और टू चिल्ड्रन हमारी फैमिली के दो भाग होते हैं जिसमें एक फैमिली होती है जो स्मॉल होती है और एक होती है जो लार्ज होती है स्मॉल फैमिली होती है जिसमें सिर्फ पेरेंट्स और चिल्ड्रन होते हैं आई मैनी फैमिलीज ग्रैंड पेरेंट्स आर आल्सो इम्पॉर्टेंट फैमिली मेंबर्स व्हेन पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन लाइव टुगेदर विद द ग्रैंड पेरेंट्स इट इज़ कॉल्ड अ लार्ज फैमिली हमारी फैमिली में जो मेंबर्स होते हैं ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं और ग्रैंड पेरेंट्स के साथ जो बच्चे रहते हैं उस पूरी फैमिली की जो फैमिली होती है वो लार्ज फैमिली होती है व्हेन पेरेंट्स लाइव विद देयर चिल्ड्रन ओनली इट इज़ कॉल्ड आर न्यूक्लियर फैमिली और जो हमारी जो बच्चों के साथ जो पेरेंट्स रहते हैं वो फैमिली न्यूक्लियर फैमिली होती है डू यू नो वो योर अंकल्स एंड आंट्स आर जो क्या आप लोग जानते हैं जो अंकल और आंट्स होते हैं क्या आप लोग जानते हैं कि आपके अंकल और आंट्स कौन होते हैं द ब्रदर ऑफ योर मदर और फादर इज कॉल्ड योर अंकल द हस्बैंड ऑफ योर आंट इज आल्सो योर अंकल जो आपके फादर आपके मदर और फादर के जो ब्रदर होते हैं वो आपके अंकल लगते हैं द सिस्टर ऑफ योर मदर और फादर इज कॉल्ड योर आंट द वाइफ ऑफ योर अंकल इज आल्सो आंट जो आपकी मदर की जो सिस्टर होती है वो आपके आंट लगती है चिल्ड्रन ऑफ योर अंकल्स एंड आंट्स आर सेलेक्ट योर कजन्स और जो अंकल और आंट्स के जो बच्चे होते हैं वो आपके कजन्स लगते हैं वेन वी लाइव विथ योर ग्रैंड पेरेंट्स अंकल आंट्स एंड कजन्स इट सेलेक्ट अ जॉइंट फैमिली अ जॉइंट फैमिली इज़ आ लार्ज फैमिली जो आपकी जिस आपकी फैमिली होती है जिसमें आपके ग्रैंड पेरेंट्स अंकल आंट्स ये सभी होते हैं वो फैमिली जॉइंट फैमिली कहलाई जाती है जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था यह है न्यूक्लियर फैमिली और यहाँ आ जाती है ये जॉइंट फैमिली डू यू लाइव इन अ न्यूक्लियर और जॉइंट फैमिली क्या आपको पता है कि आप कौन सी फैमिली में रहते हैं न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं या जॉइंट फैमिली में रहते हैं वी शुड लव योर फैमिली मेंबर्स और सभी मेंबर्स आपसे प्यार करते हैं वी शुड हेल्प एवरी वन इन द फैमिली एंड टेक केयर ऑफ वन अनदर जो आपकी फैमिली मेंबर होते हैं वह सभी एक दूसरे की हेल्प करते हैं और एक दूसरे की केयर करते हैं रूल ऑफ द फैमिली हमारी फैमिली की रूल वी लाइव रूल ऑफ द फैमिली फैमिली की भूमिका वी लाइव टुगेदर अस आ फैमिली एवरी वन हैज़ स्पेशल रोल इन अ फैमिली यूअर मदर एंड फादर टेक केयर ऑफ यूर नीड्स कुक फूड फॉर अस लुक आफ्टर वैन वी आर सिक्स हेल्प अस विथ यूर स्टडीज एंड आल्सो प्ले विथ अस Sometimes your grandparents also stay with us. They play with us
एंड टेल अस स्टोरीज़। हम हमारे परिवार के साथ रहते हैं और सभी उस परिवार के सभी फैमिली के सभी मेंबर स्पेशल होते हैं, सभी की अहम भूमिका होती है। एंड हमारे पेरेंट्स एंड फादर हमारी सभी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, हमारे लिए खाना बनाते हैं और हमारी हेल्प करते हैं, और हमारी पढ़ाई के अंदर भी हमारे पेरेंट्स अपनी हमारी हेल्प करते हैं। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमें कहानियाँ सुनाते हैं और हमारे साथ खेलते हैं। नेक्स्ट पेज, फन विद फैमिली, फैमिली के साथ मजा। बिग बैंग आ पार्टी ऑफ फैमिलीज आर लॉट ऑफ फन। वी डू मैनी थिंग्स टुगेदर एंड हैव लॉट्स ऑफ फन। हम वी सेलिब्रेशन स्पेशल डेज सच अस बर्थडे एंड फेस्टिवल टुगेदर। हमारे फैमिली के साथ हम कई मज़े करते हैं, कई फन करते हैं एंड हम उनके साथ रहते हुए घर के अंदर कई मज़े ले सकते हैं। जैसे हमारे ख़ास दिन जैसे फेस्टिवल, बर्थडे, ये सभी ख़ास दिन हम उनके साथ मनाते हैं। वी हैव पार्टीज़ एट होम वेयर वी इन्वाइट योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव। और हम हमारे घर पे बर्थडे पार्टी करते हुए या कहीं भी कोई भी पार्टी करते हुए हमारे फ्रेंड्स को और रिलेटिव को इन्वाइट कर सकते हैं। समटाइम्स वी गो फॉर एन आउटिंग टू अ मूव और अ पिकनिक टुगेदर अस अ फैमिली। और हम कभी कभी हमारी फैमिली के साथ मूवी देखने या पिकनिक जा सकते हैं। वी मैनी आल्सो टू गो टू द जू और सर्कस एंड समटाइम वी मे स्टे एट होम एंड प्ले टुगेदर। और हम हमारी फैमिली के साथ कभी कभी सर्कस या जू जा सकते हैं और हमारी फैमिली के साथ हम खेल सकते हैं। वी हैव यू एवन बीन टू आ सर्कस एंड विथ योर फैमिली। क्या आप कभी अपनी फैमिली के साथ सर्कस गए हैं? नेक्स्ट पेज, वी एन्जॉय सेलिब्रेशंस टुगेदर। और हम कई सेलिब्रेशंस के ही त्यौहार एक साथ मनाते हैं। वेडिंग अस आस्कंस व्हेन ऑल फैमिली मेंबर्स गेट टुगेदर। और शादी ऐसा अवसर है जहां हम फैमिली के कई मेंबर एक साथ रहते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं। एन्जॉय देम सेल्व्स एंड हैव लॉट्स ऑफ फन। और कई फन कई मजे ले सकते हैं। देयर इज़ म्यूज़िक एंड डांस एंड लॉट्स ऑफ फूड टू ईट। और इसके साथ हम म्यूज़िक ले सकते हैं, डांस कर सकते हैं और कई तरह के व्यंजन या भोजन लेते हैं। देयर आर मोमेंट्स ऑफ फन एंड एवरीबॉडी एन्जॉय देम सेल्व्स। और सभी लोग एक दूसरे के साथ फन करते हैं, एन्जॉय करते हैं और अच्छे मोमेंट्स अच्छे पल बिताते हैं। परिवार माय फैमिली में पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट, ये सभी मिलके एक परिवार बनता है, एक फैमिली बनती है। फैमिली की दो टाइप्स की होती है, जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली। जॉइंट फैमिली में पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट, ये सभी होते हैं, तो जॉइंट फैमिली होती है। जॉइंट फैमिली आजकल बहुत कम होती है। और न्यूक्लियर फैमिली में सिर्फ पेरेंट्स और चिल्ड्रन होते हैं, जो बहुत ही छोटा परिवार होता है, और ये एक मॉडर्न फैमिली कही जाती है। अच्छा बच्चों, अब हम एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। हमें फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर करेक्ट वर्ड फिल करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, योर ब्रदर्स एंड सिस्टर आर कॉल्ड योर आपकी फ्रेंड्स होती हैं, सिबलिंग्स होते हैं, इसमें आएगा सिबलिंग्स। सेकेंड क्वेश्चन है, आ फैमिली विच हैज़
पेरेंट्स एंड वन और टू चिल्ड्रन है इज कॉल्ड अ, कौन सी फैमिली होती है ये? स्मॉल फैमिली. कौन सी फैमिली होती है ये? स्मॉल फैमिली. ये आएगा स्मॉल फैमिली. सिस्टर ऑफ योर पेरेंट्स आर सैलिड, जो आपके पेरेंट्स की सिस्टर होती हैं वो आपकी क्या होती हैं? आंट्स. यहाँ क्या आएगा? आंट्स. आंट्स. तो ये फोर क्वेश्चन हैं. वी मीट मोस्ट ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स आर्ट्स, कहाँ मिलते हैं हमारे फैमिली मेम्बर्स? वेडिंग के अंदर. वेडिंग के अंदर फाइव क्वेश्चन है. वेडिंग आर हैप्पी, या क्या आएगा? हैप्पी. हैप्पी ऑस्कन्स. इसके बाद है क्वेश्चन नंबर टू. टू में है राइट अ टी फॉर ट्रू और फॉल्स. ट्रू और फॉल्स है ये. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है वी लाइव टुगेदर अस अ क्रॉव, इसमें आएगा फॉल्स. बी है योर मदर्स ब्रदर्स इज योर अंकल, आपकी मदर के ब्रदर आपके क्या होते हैं? अंकल. तो इसमें आएगा ट्रू. इसके बाद है अ जॉइंट फैमिली इज अ स्मॉल फैमिली, नो फॉल्स. वी मीट योर फैमिली मेम्बर्स एंड डिफरेंट ऑस्कन्स, इसमें आएगा ट्रू. वी शुड सेलिब्रेशन फेस्टिवल ओनली विथ योर फ्रेंड्स, फॉल्स. इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन आंसर. क्वेश्चन आंसर में है फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ न्यूक्लियर फैमिली. न्यूक्लियर फैमिली कौन सी होती है? पेरेंट्स लाइव विथ देयर चिल्ड्रन ओनली, इट इज कॉल्ड अ न्यूक्लियर फैमिली. जहाँ पेरेंट्स और बच्चे होते हैं वो होती है न्यूक्लियर फैमिली. व्हाट इज अ जॉइंट फैमिली? वी लाइव विथ योर ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल, आंट्स एंड कजन्स. इट इज सैलिड अ जॉइंट फैमिली. जहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल, आंट्स और कजन्स होते हैं उसे हम जॉइंट फैमिली कहते हैं. व्हाट शुड द मेम्बर्स ऑफ द फैमिली डू? वी शुड हेल्प एवरी वन इन द फैमिली एंड टेक केयर ऑफ वन अनदर. ठीक है, ओके. ये आपके पूरे क्वेश्चन आंसर हो गए, आपको नोटबुक में करना है.